क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अपने पुत वारने पए। दुनिया दे विच बड़ियां जंगां होईयां ने, कोई जंग है जमीन पिछे हुई है, कोई जंग जायदाद पिछे हुंदी है, कोई जंग राज भाग दे पिछे हुंदी है, कोई जंग जोरू पिछे हुंदी है। अज तक संसार दीआं होण वालीआं जंगां नूं पढ़ लो, सुन लो, वाच लो, जिन्नियां भी जंगां होणगीआं जां तां राज पिछे होणगीआं जां पैसे पिछे होणगीआं जां जमीन पिछे होणगीआं जां जोरू पिछे होणगीआं, पर जिहड़ी जंग गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी है, ना वह पैसे की जंग है, ना जमीन की जंग है, ना राज भाग की जंग है, ना किसी जोरू की जंग है। किस चीज की जंग है? जिहड़े साडे वर्गे लुताड़े हुए सी ना, सानू कोई अधिकार नहीं सी उच्चे होके जिउण दा, सानू कोई हक नहीं सी कि असी भी माण नाल दुनिया विच जिउ सकदे। ये माण सानू कलगीधर पिता जी ने दिता है। आनंदपुर साहब की धरती ऐसी धरती सी जिथे गुरु नानक साहब जी के फलसफे नूं, गुरु नानक साहब जी के उपदेश नूं सदा प्रचारिया जांदा सी ते उहदा प्रैक्टिकल किया जाता। गुरु नानक साहब जी ने उपदेश दिता खत्री ब्राह्मण सूद वैश, उपदेश चौहो वरना को सांझा। ते सतगुरु जी दे आउण तों पहलां ना समाज विच पुजारी ने इदां दा ढांचा फिट कीता होया सी, ब्राह्मण ते खत्री रल के कहिंदे सी असी उच्चे हाँ, असी वड्डे हाँ, असी महान हाँ, शूदर ने वैश ने ये नीवे ने, साडियां पैरां दीआं जुत्तियां दे बराबर लताड़िया जांदा सी। शूदर नूं कोई हक नहीं सी रब दी गल करन दा ना सुनन दा, जो रब दी गल करदा सी ते जुबान कट दित्ती जांदी सी, जे सुनदा सी सिक्का ढाल के पा दित्ता जांदा सी। ये अलग विषय है। गुरु नानक साहब जी ने इस फलसफे नूं शब्द रूप विच कहा, उन्हां भगतां कोले जाके उन्हां नूं अपने नाल बराबर बिठाया। गुरु अर्जन देव साहब ने गुरबाणी अंदर उन्हां भगतां दी बाणी दर्ज करके हरिमंदर साहब विच बराबर बिठा दिता, ते गुरु नानक साहब जी ने उसे फलसफे ते चलदिआं होइआं खंडे दी पहुल तैयार कीती। एक बाटे नूं सारिआं दा मूंह लवा दिता, कोई वड्डा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई उच्ची जात दा नहीं है, कोई नीवी जात दा नहीं है, सब इत्थे इक ने। कोई शीम्बा नहीं, कोई नाई नहीं, कोई जट नहीं, कोई चीवर नहीं, कोई ब्रा, सब खत्म करके की बना दिता जी, सिंह ते खालसा। हुण जदों आ चीज आई ना, जिन्हां दे हाथ च शस्त्र नहीं सन कदे फड़े, उन्हां दे हाथ च कलगीधर पिता ने शस्त्र फड़ा दिते। जिन्हां ने आ सिर ते कदे ताज सजाउण दा जिन्हां नूं कोई हक नहीं सी, कलगीधर ने सिरां ते दस्तारां सजा के सरदारियां बख्श दित्तियां। एक बाटा है, एक पंगत है, एक दरबार है, इत्थे कोई भेदभाव नहीं, कोई वड्डा छोटा नहीं, सब बराबर ने। ते दिनों दिन सिखी दी चढ़दी कला हुंदी सी, खालसे दा जाहो जलाल दिनों दिन वधदा सी। इसे चीज़ नूं ना जर सके वो पहाड़ी राजे, जिहड़े पहाड़ी राजिआं नूं गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह दे, जिन्हां दे वड्डिआं नूं ग्वालियर दे किले चों रिहा कराया सी, उन्हां दे पुत पोते ही ने वो पहाड़ी राजे जिहड़े आनंदपुर साहिब ते चढ़ के आउंदे ने। ते एक वारी ना समझौता हुंदा, पहाड़ी राजे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कोले समझौते लई पहुंचे, पातशाह जी असीं समझौता करन नूं तैयार हाँ, पर साडी एक शर्त है। शर्त की है कि जिहड़ा तुसीं गरीबां नूं लताड़िआं होइआं नूं अपने बराबर बिठा लिया ना, इन्हां नूं परे कर दो, असीं तुहाडे नाल भी चलन नूं तैयार हाँ। जिदा जिदा तुसीं कहोगे तुसीं साडे आगू होवोंगे, असीं पिछे चलांगे, पर इन्हां नूं पासे कर दो, जिहड़े गरीबां नूं, जिहड़े लताड़िआं होइआं नूं, नीवीआं जातां वालिआं नूं तुसीं उच्चा चुक लिया। ते कलगीधर जी ने जवाब पता की दिता सी, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, हम मोसो गरीब क्रूर परे। ओ कहिंदे इन्हां नूं छड्डण दी गल करदे हो, इन्हां करके तां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी कहिंदे मैं आ। इसे गल दी लड़ाई सी, याद रखो गुरु सवारियो। ये मैं तां क्लीयर कर रहा, सानू पता होवे असी किसे ओहदे लई उन्हां नूं शरधांजलि नहीं दिंदे, उन्हां कलगीधर दे लालां नूं उन्हां नूं याद नहीं करदे, कोई जमीन पिछे लड़िया, कोई जोरू पिछे लड़िया, उन्हां नूं कोई नहीं याद करदा। साडियां हक्कां दे खातर, साडे धर्म दे लई, सच दे लई गुरु गोबिंद सिंह जी ते उन्हां दे सारे परिवार ने कुरबानी दित्ती है, असीं तां कलगीधर जी नूं याद करदे।